आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी मुख्तलिफ शेप्स और एनर्जी होती हैं वो ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एक ऐसी शेप और एनर्जी होती है जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। एस सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इन दिस हाइड्रोकार्बन्स 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। इसमें 1s और 3 जो हैं p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये मिक्स होते हैं टू फॉर्म 4 इक्वेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 एक जैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 4sp3 hybrid orbital possesses both the characteristics of s orbit and p orbit। ये हमारे पास जो 4sp3 hybrid orbitals थे इनकी जो एनर्जी है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें s की भी होती हैं खसूसियात और p की भी। 25% ऑफ s की जो है वो 25% होती हैं और p की जो है वो 75% होती हैं 75%। इन sp3 द शेप इज फॉर्म टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं इसमें जो शेप होती है शक्ल होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। एग्जांपल इसकी है CH4 मीथेन NH3 अमोनिया H2O वाटर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें 1s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल पोजेसेस 33.33% ऑफ s कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तीन हमारे पास sp2, इसमें जो s की खसूसियात हैं वो 33.33% हैं जबकि p की जो है वो 66.66% है। द शेप इज फॉर्म ट्राइगोनल। इसमें जो शेप बनती है वो ट्राइगोनल है। एग्जाम्पल इसके C2H4 एंड BF3ATC। sp हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है टू फॉर्म बनाने के लिए 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल पोजेसेस 50% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस। इसमें 50% जो हैं वो एस की खसूसियात होती हैं और 50% पी ऑर्बिटल्स की खसूसियात होती हैं। द शेप इज फॉर्म जो शेप बनती है उसे हम कोलिनियर कहते हैं। एग्जांपल इसमें C2H2 और बेरियम क्लोराइड BeCl2 और C2H2 है ये था।